हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट से अभी अभी रिजल्ट में पास हुए हैं उसका एडमिशन बीए के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। कब से एडमिशन होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोसेस समझने लेना है कि आवेदन कब से करना है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट इस बार पास किए हैं 2021 में और बीए में नामांकन लेना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, तो यानी कि बीआरए मुजफ्फरपुर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। नए सत्र में एडमिशन के लिए 6 के बाद अप्लाई करें, यानी कि 6 अप्रैल से बीए में एडमिशन शुरू हो जाएगा। देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स। थोड़ा इंटर पास छात्रों के स्नातक में एडमिशन के लिए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही पोर्टल खोल देगा। बीवी ऑनलाइन अप्लाई के लिए तैयारी में जुटे है। हालांकि पहले विश्वविद्यालय सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी परीक्षा में देरी कारण, यानी कि सीबीएसई का जो है अभी तक रिजल्ट नहीं रिलीज किया गया है और यानी कि इसीलिए इसमें देरी कर दिया गया है कि कब होगा, इसीलिए इसका भी रिजल्ट में लेट है। तो इसको छोड़ करके आगे तत्काल बिहार बोर्ड के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय सत्र 2021 से 24 के लिए 6 अप्रैल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट 2021 में इंटर पास किए हैं उसके लिए एडमिशन प्रोसेस बीए का नामांकन सत्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बिहार बोर्ड ने इंटर कि में इस बार 1,42,000 सीटों के लिए स्नातक एडमिशन होगा, यानी कि इस बार बीए में जो एडमिशन होगा 1,42,000 सीटों के लिए होगा। उसके बाद आधार पर विश्वविद्यालय नामांकन कराया गया था। इस बार कॉलेजों की संख्या बढ़ने और सीटों की संख्या का इजाफा होने से अधिक छात्रों को मौका मिलेगा। अब इस बार सीट बढ़ा दिया गया है। 1774 कॉलेजों में स्नातक एडमिशन हुआ। इस बार विश्वविद्यालय ने करीब 3 दर्जन नए लोगों को संबद्धता के लिए व सीनेट की बैठक के पास कराया गया, यानी कि अब एडमिशन प्रोसेस बढ़ाया गया है। बीए में सीट बढ़ा दिया गया है, पहले कम था, अब इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इन कॉलेजों को सरकार से संबद्धता मिलने पर नए सत्र में एडमिशन होगा, इससे कॉलेज की संख्या 100 पार हो जाएगी। अब यानी कि कॉलेज को संख्या भी बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी बात कर लेते हैं क्या लिखा है। विश्वविद्यालय के UMIS कोऑर्डिनेटर ललन कुमार झा ने कहा कि स्नातक पार्ट 1 के नए सत्र में एडमिशन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि UMIS एक वेबसाइट है, उसका जो चेयरमैन है वो ललन कुमार झा है, यानी कि उसी के पोर्टल के अनुसार इसका एडमिशन प्रोसेस उस वेबसाइट पर किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 अप्रैल के बाद अप्लाई के लिए पोर्टल खोला जाएगा, यानी 6 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अप्रैल के अंत तक अप्लाई का मौका दिया जाएगा। 31 अप्रैल तक आपको एडमिशन दिया जाएगा 30 अप्रैल तक। उन्होंने कहा कि CBSE 12वीं के रिजल्ट आने तक विचार होगा, यानी कि उसके बाद भी एडमिशन का पोर्टल खोल दिया जाएगा। बाद में कॉलेज में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सेंट्रलाइज ऑनलाइन अप्लाई होगी, यानी कि हर एक विश्वविद्यालय के वेबसाइट के ऑनलाइन आपको BRABU के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका काम होगा। और यहाँ पर लिखा है वोकेशनल कोर्स के लिए कब से क्या होगा, उसका ही बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वोकेशनल कोर्सों में एडमिशन के लिए 15 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है, तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जिस कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं वहाँ जाकर अपना आवेदन करना होगा। तो देखिए इसके दूसरे वोकेशनल कोर्स के लिए पढ़ाई जहाँ होता है उसके लिए किया गया है। तो बात कर लेते हैं 6 अप्रैल से इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीए में नामांकन स्टार्ट होने वाला है। जब अप्लाई कैसे कैसे करना होगा उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे इस चैनल पर, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को